सो हेलो एंड नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे और जहाँ होंगे मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर आप झारखंड राज्य से आते हैं और चाहते हैं अपने जो पंचायत के गांव की मुखिया जी का मोबाइल नंबर निकालना घर बैठे, तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अपने गाँव और पंचायत के मुखिया जी का मोबाइल नंबर घर बैठे निकाल सकते हैं। हाँ गाइज, अगर कोई आपको शिकायत करना है, कोई शिकायत दर्ज करना है, बुलवाना है कहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर घर बैठे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी से मांगने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इसी बस वीडियो में हम बताएंगे आपको कैसे 2 मिनट के अंदर में निकालना है सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से। ठीक है गाइस, चलिए इस वीडियो में हम पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे, मोबाइल नंबर हम निकाल के बताने वाले हैं। तो क्या करना है, अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में टाइप करना है आपको पंचायत निर्णय। आपको इतना लिखकर सर्च करना है और सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इस किसी भाषा में आप क्या कर सकते हैं, जिस भाषा को आप ऐसे समझते हैं तो उसी भाषा उस भाषा को सिलेक्ट कर, यहाँ इंग्लिश का भाषा सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक किए हैं और इस तरह के करने के बाद सिंपल सा ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो सिंपल सा ये क्या करना है, न्यू सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपका मोबाइल नंबर डालिए हैं, आपका रिकमेंड करेंगे मोबाइल नंबर, इसको क्या करेंगे नॉन ऑफ एबव कर देना है और यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज कर देना है। ठीक है, कोई सा भी नाम डाल देना है और किसी तरह का मोबाइल नंबर डालना है जिस पर ओटीपी आ जाए। ठीक है, और ईमेल आईडी, सिंपल सा ये तीनों को फिलअप कर देना है और यहाँ फोटो है तो फोटो सेलेक्ट करना है, बाय द वे इसको छोड़ देना है ऑप्शनल में। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, ये सब फिल कर देते हैं। ये तीनों को फिलअप करने के बाद सिंपल सा यहाँ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्टर के इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये वेट लेगा और इसको वेट करने के बाद सिंपल सा अगला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो सिंपल सा यहाँ हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है, तो सिंपल सा यहाँ ओटीपी हम डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद सिंपल सा वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा यहाँ नीचे वाला पर टिक रहने देना है और सिंपल सा यहाँ अपना जो करेंट ईयर है इसको सिलेक्ट करना है। करेंट ईयर 2024 से 2025 चल रहा है, सिंपल सा सिलेक्ट कर लेना है। और स्टेट में आपको क्या करना है, जिस स्टेट से आते हैं, तो चलिए हम झारखंड देखने वाले, तो झारखंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट पंचायत समिति, तो आपको जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना है या जो पंचायत समिति वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ ग्राम पंचायत सिलेक्ट करना है, जिस ग्राम पंचायत के मुखिया का नंबर निकालना चाहते हैं। चलिए अपना जो पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपल से यहाँ सेट माई पंचायत का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी पर क्लिक कीजिएगा, ये आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद जो एक एम पिन सेट करने का आएगा 4 डिजिट का, वो सेट कर लीजिएगा। ठीक है, सेट करने के बाद कुछ इस तरह का लॉग इन करने के लिए आएगा, तो सिंपल सा क्या करना है, लॉग इन करना है, यहाँ रजिस्टर सिटीजन पर क्लिक करना है और जो नंबर उसमें क्लिक ही नंबर लिखकर और एम पिन क्या कर लिखकर इसमें लॉग इन करना है। चलिए हम नंबर लिख दिए हैं और एम पिन यहाँ लिख देंगे। लिखने के बाद सिंपल से यहाँ लॉग इन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इलेक्टेड, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के आपके गाँव के जो मुखिया है यहाँ उनका यहाँ आ जाएगा, यहाँ फोटो आ जाएगा, यहाँ फोटो आपकी यहाँ नेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यहाँ फोटो ओपन हो जाएगा और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मुखिया, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, इस पर अगर कॉल करना है या नंबर लेना है, सिंपल से यहाँ जिसके सामने कॉल का आइकन है इस पर क्लिक करना है। सिंपल से आपके डायलर में ओपन हो जाएगा, पूरा नंबर यहाँ दिखाई देगा, यहाँ डायलर में यहाँ देख सकते हैं पूरा नंबर है, हम उसको हाइड किए हैं सिक्योरिटी रीजन के कारण। ठीक है, तो आप यहाँ नंबर आपको दिख जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम बैक चलते हैं और यहाँ पूरा गांव का उप मुखिया का भी नंबर मिल जाएगा और वार्ड मेंबर का भी, जिसका नंबर लेना चाहते हैं आप नंबर ले सकते हैं। टोटल आपके गांव में जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का भी नंबर निकाल सकते हैं, सेक्रेटरी का नंबर निकाल लेके इस पर से क्या करेंगे, बैक चलेंगे और यहाँ से सेक्रेटरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेक्रेटरी का आ जाएगा और यहाँ नंबर आ जाएगा और यहाँ कॉल करने के लिए नंबर इससे यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो वैसे आप अपने गांव के जाति के मुखिया का नंबर निकाल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।